क्रुक बॉन्ड और इंसाफ का डंडा जो मैंने दो पार्टीज के पहले डाले हुए हैं, संभवतः ये इसका थर्ड पार्ट है। थोड़ी सी कहानी मैं ऊपर की भी आपको बता देता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी हुआ है। क्रुक बॉन्ड और मोटू फंस जाते हैं कुछ स्मगलर्स के चंगुल में, और वो जो है वो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, और मोटू फंस जाता है भूत के चक्कर में। तभी क्रुक बॉन्ड उसे हटा करके, उससे बचा करके ले जाता है कहीं और दो बदमाशों को वो लोग घायल करके गिरा देते हैं। उसके बाद की कहानी मैं आपको दिखाता हूँ। उनके टॉर्चर के डर से वे दोनों बदमाश साइनाइड खा लेते हैं, और साइनाइड खा के मर जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद मैं देखता हूँ। पूरी तिजोरी साफ करने के पश्चात वे सब सेठ के साथ उसी कमरे में पहुंचे जहां सेठ के बीवी बच्चे एकत्रित थे। सुनो सेठ, हम तुम सबको जिंदा छोड़े जा रहे हैं, लेकिन खबरदार, पुलिस को खबर करने की मूर्खता मत करना, वरना पुलिस के हम तक पहुंचने से पहले ही तुम सब दूसरी दुनिया पहुंच चुके होगे। नहीं नहीं, हम पुलिस को खबर नहीं करेंगे। चलो साथियों, बाहर निकलकर गोबर सिंह और उसके साथी एक बंद वैगन में सवार हुए और वैगन पुराने कब्रिस्तान की ओर दौड़ पड़ी। इधर गोबर सिंह और उसके साथियों के वहाँ से जाते ही सेठ तेजी से फ़ोन पर निकटवर्ती पुलिस स्टेशन के नंबर डायल करने लगा था। सेठ का बंगला किशनगंज इलाके में आता था, और उस इलाके के पुलिस स्टेशन का इंचार्ज थानेदार पटाका सिंह था। क्रुक बॉन्ड का पिता हौलदार धमाका सिंह भी उसी स्टेशन पर नियुक्त था, और पटाका सिंह का मातहत था। वारे किस्मत, कल तक जो मेरा कलिक था वही आज मेरा अफसर बन बैठा, और अफसोस, यह सब मेरे कपूत अनोखे लाल जासूस की दुम क्रुक बॉन्ड के कारण हुआ है। तभी फ़ोन की घंटी बज जाती है और डाकू गोबर सिंह के बारे में कोई बताता है। मैं सेन बंगला नंबर E32 से सेठ धनीराम बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यह बताने में असमर्थ हूँ कि वह हमें लूट कर किधर फरार हुआ है। परंतु हाँ, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि वह अभी शहर से बाहर नहीं निकल पाया होगा। ठीक है, मैं शहर के तमाम पुलिस चौकियों को खबर किए देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, इस बार हमारी पकड़ से वह बच नहीं पाएगा। संबंध विच्छेद करने के बाद जल्दी जल्दी कई पुलिस स्टेशनों के नंबर मिलाए, और उन्हें गोबर सिंह के बारे में आगाह करने के बाद रिसीवर क्रेडिल पर रखता हुआ धमाका सिंह से बोले, हौलदार, जल्दी से सिपाहियों को तैयार होने का हुक्म दो, डाकू गोबर सिंह ने आज फिर एक सेठ को लूट लिया है, हमें इसी समय उसकी खोज में रवाना होना है। यस सर। और हौलदार धमाका सिंह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। जब से थानेदार बना है, कमबख्त ने मेरी मिट्टी ख़राब करके रख दी है। वह मुझे हौलदार कहता है और मुझे उसे सर कहना पड़ता है। और धमाका सिंह जब जाता है तो उसे पुलिस वैन में डर सा लगता है कि गोबर सिंह से सामना ना हो। दुर्भाग्य से उसका सामना जो है कि गोबर सिंह से हो ही जाता है, और गोबर सिंह उनकी जीप पर फायर कर देता है, जिससे कि उनका जो टायर होता है वो बर्स्ट कर जाता है। सर, यदि उस वैगन में डाकू गोबर सिंह हुआ था, वह जरूर पुराने कब्रिस्तान की तरफ गया होगा। मैं जल्दी से स्टेपनी बदले देता हूँ, ईश्वर ने चाहा तो उसके वहाँ पहुँचते हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर दूसरी जीप भी पीछे आ रही है, चाहे तो आप उसमें बैठकर चले जाए। गुड, तुम वास्तव में होशियार हो, चलो लोग जाओ अपने काम पर, यानी जान अब भी नहीं छूटी, अब कब्रिस्तान भी जाना पड़ेगा, यदि वहाँ भूत मिल गए तो हे भगवान तू ही रक्षा करना। उधर शहर से बाहर पुराने कब्रिस्तान में क्रुक बॉन्ड और मोटू डाकू गोबर सिंह के गुप्त अड्डे की तलाश करने में बिल्कुल असफल रहे थे। बॉन्ड भी अब क्या करें, मेरी तो टांगें दुखने लगी है, पता नहीं उन डाकुओं का गुप्त अड्डा कहाँ पर है, ज़मीन पर है ही है या आकाश में। मूर्ख, आकाश में सिवाय भगवान के और किसी का अड्डा नहीं है, डाकू गोबर सिंह का यही ज़मीन पर है, और दूसरी बात है कि वह हमें मिल नहीं रहा है। तभी धर, अरे यह आवाज़ कैसी, किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ मालूम पड़ती है, शायद वह इसी ओर आ रही है, आओ चलो देखते हैं। दोनों कब्रिस्तान के फाटक पर पहुँचे। बांड भैया, वह गाड़ी तो इसी तरफ आ रही है, लेकिन कौन कौन लोग हो सकते हैं उस गाड़ी में। अबे मोटू, जरा कल से काम ले, डाकू के अलावा भला और कौन हो सकता है उस गाड़ी में।
तब तो हमें तुरंत छिप जाना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो बनाते बनाते कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि मैंने अपने पहले की वीडियो में तौसी, अजगर, नागराज, त्रिकालदेव, कृपबॉन्ड, मनोज कॉमिक्स की ज़्यादातर सुपर हीरोज़ पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ और उनकी स्टोरीज भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो खून की पुकार, मैडम इंडिया, राम रहीम सीरीज की ओल्ड कॉमिक्स, त्रिकालदेव, चाचा चौधरी की कम मैंने कॉमिक्स डाली है, बाकी नागराज, परमाणु, डोगा, सुपर कमांडो ध्रुव, इन सब की कॉमिक्स मेरे आप चैनल पर पढ़ सकते हो, उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो और आप शेयर जरूर करें। तो दोस्तों और मेरे अदर वीडियो जो बनाए हैं वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे बनाए हुए हैं, तो आप ज़रूर एक बार उन्हें देखें। ये लोग मनमौजी को ऑर्डर देते हैं, चले मनमौजी जा, तू जल्दी से कहीं छिप जा। आज्ञाकारी मनमौजी एक कब्र के पीछे छिप गया। आओ हम दोनों भी भीतर गश्त लगाते हैं ताकि उन्हें हम पर संदेह न होने पाए। ठीक है चलो। परंतु स्टेशन वैन कब्रिस्तान के फाटक पर रुकी नहीं बल्कि आगे बढ़ती चली गई। अरे वैन तो आगे चली गई, यदि उसमें डाकू थे तो वह यहाँ क्यों नहीं रुकी? कोई बात अवश्य है, ठहरो मैं मनमौजी को उसके पीछे लगाता हूँ। अरे मनमौजी जल्दी इधर आ। मनमौजी ने जैसे क्रुकबांड की बात समझी वह तुरंत उसके निकट पहुंच गया। चले मनमौजी अब तेरी परीक्षा की घड़ी है, चल दिखा अपना कमर और ला डाकुओं का पता निकाल। मनमौजी तुरंत स्टेशन वैगन के पीछे दौड़ पड़ा। स्टेशन वैगन कब्रिस्तान से काफ़ी आगे जाकर एक समतल स्थान पर रुकी जिसके आगे जंगल का सिलसिला था। बाके तुम लिफ्ट का बटन ऑन करो जल्दी। बहुत अच्छा सरदार। बाके सामने खड़े पेड़ के तने में बने छिद्र में हाथ डालकर कुछ टटोलने लगा। फिर बाके ने न जाने क्या हरकत की कि वह समतल स्थान जहाँ पर डाकू गोबर सिंह और उसके साथी खड़े थे किसी लिफ्ट के समान नीचे की तरफ धंसने लगा। जल्दी आओ बाके। यह लिफ्ट नुमा समतल जमीन काफ़ी गहराई में एक बड़े से हॉल में रुकी और डाकू गोबर सिंह उसके साथी सभी साथी वैन समेत लिफ्ट से हॉल के फर्श पर पहुँच गए। उनके नीचे उतरते ही लिफ्ट अपने आप ऊपर की ओर चल पड़ी। वह विचित्र लिफ्ट अपने स्थान पर आ लगी। मनमौजी कब्रिस्तान की ओर दौड़ पड़ा। शीघ्र ही क्या खबर लाए चले? हाँ प्यारे जरा जल्दी बताओ, 50,000 का इनाम हमारी बाट जो हो रहा है। भाव भाव भाव। ओह मनमौजी तो हमें अपने साथ चलने को इशारा कर रहा है, शायद यह हमें कुछ दिखाना चाहता है। चलो चलकर देखते हैं। फिर मनमौजी के पीछे चलते चलते क्रुकबॉन्ड और मोटू उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पेड़ के समीप भीतर जमीन के भीतर ले जाने वाली विचित्र लिफ्ट थी। भाव भाव भाव। ओह उस छिद्र में कुछ है, मनमौजी उसी की तरफ इशारा कर रहा है। ठहरो मैं देखता हूँ। अरे यहाँ तो कोई बटन लग रहा है, तो इसी बटन में ज़रूर कोई करामात छिपी होगी बांड भैया, जरा उसे दबाना तो हो सकता है यह बटन किसी मुख्य द्वार की चाबी हो। और क्रुकबॉन्ड ने जैसे ही उस बटन को दबाया, अरे आए यह तो लिफ्ट का कोई जगह मालूम पड़ता है बांड भैया। बिल्कुल अब मेरी गोबर समझ में आया कि डाकू गोबर सिंह और उसके साथी कब्रिस्तान से आगे जाकर अचानक क्यों और कैसे गायब हो जाते हैं। ज़रूर कब्रिस्तान से लेकर यहाँ तक उनका ज़मींदोज अड्डा है और वे इसी लिफ्ट के सहारे अपने अड्डे तक पहुँचते हैं। फिर तुम्हारा क्या विचार है बांड भैया? लिफ्ट को वापस आने दो, फिर हम भी नीचे चलेंगे। और यदि नीचे पहुँचते ही धर दबोच लिए गए तो? अब ओखली में सर दे दिया तो मूसलों से क्या डर। लेकिन चिंता मत कर, इस भूत वाली पोशाक में वे जल्दी ही हम पर संदेह नहीं करेंगे। कुछ देर बाद जब लिफ्ट अपने आप स्थान पर आ गई तो क्रुकबॉन्ड के कहने पर मोटू उस जमीन पर पहुंच गया तथा क्रुकबॉन्ड पुनः बटन दबाने के लिए पेड़ के निकट जा पहुंचा। प्यारे मनमौजी हम दोनों डाकुओं की मांद में भाड़ झोंकने जा रहे हैं, तुम यही हमारा इंतज़ार करना। यदि हम 1 घंटे तक उनके ज़मींदोज अंडे से बाहर ना आए तो हमें तुरंत बापू को खबर कर देना। कू कू कू। मनमौजी ने क्रुकबॉन्ड की बात सुनकर इस तरह सिर हिलाया कूकू किया मानो उसकी बात अच्छी तरीके से समझ गया हो। अगले ही पल क्रुकबॉन्ड खोह में लगे बटन को दबाकर मोटू की ओर चल पड़ा। फिर उसे एक छलांग में लिफ्ट के ऊपर पहुंचने में देर नहीं लगी। अब लिफ्ट उन्हें लेकर तेज़ी से ज़मीन के भीतर समाती चली जा रही थी। कुछ देर बाद लिफ्ट जमीन के भीतर काफ़ी गहराई में जाकर अपने आप रुकी। जल्दी से नीचे उतरो मोटू, शायद यही स्थान इस लिफ्ट की अंतिम मंजिल है। मोटू ने भी लिफ्ट से नीचे उतरने में कोई सुस्ती नहीं दिखाई। उनके ज़मीन पर पहुंचते ही लिफ्ट अपने आप ऊपर उठने लगी। आश्चर्य है,
न कोई बटन दबाना पड़ा, न कोई खटका, अपने आप ही लिफ्ट वापस हो गई। शायद इसका सिस्टम कुछ ऐसा होगा कि ऊपर बोझ ना होने के कारण वह अपने आप ऊपर उठ जाए। तब तो भैया इन लोगों ने अपना यह अड्डा भी काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया होगा। इस लिफ्ट को देखते हुए तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। खैर फिलहाल बेकार की बात छोड़ो और सावधानी से आगे बढ़ो। दोनों सावधानी से बाईं ओर दिखाई देने वाले दोनों द्वारों की ओर बढ़े। यदि कोई खतरा पेश आया तो मेरा यही मास्टर वॉल्व काम आएगा। द्वार से होकर कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक अन्य द्वार से रोशन की किरणें दिखाई देती आई किरणें आती दिखाई पड़ी। लगता है डाकू गोबर सिंह और उसके साथी गुफा में उस तरफ मौजूद है। हो सकता है, लेकिन बांट भैया न जाने मुझे इस समय क्यों बहुत डर लग रहा है। आबे मोटू, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? क्रूक बॉन्ड और इंसाफ का डंडा मैं कॉमिक्स बना रहा था। ये अब तक की इसकी स्टोरी मैं बता देता हूँ कि क्रूक बॉन्ड जो सुपर दुपर जासूस है तो इस बार पड़ जाता है नकली भूतों के चक्कर में, और नकली भूतों के चक्कर में पहुँच जाता है कब्रिस्तान में, जहाँ उसका सामना हो जाता है कुछ गुंडों से, बदमाशों से हो जाता है सामना, जो मोटू को एक लफड़ा मार देते हैं, एक आध पड़ाका मार देते हैं उसको। तभी बीच में कुर्बान भूत के दृश्य में आ जाता है और मोटू को बचा लेता है। वो दोनों दो बदमाशों को बेहोश कर ले जाने के लिए उद्यत हो जाते हैं।